मनोहर जलेबी का ठेला लगाता था। उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। लोग उसकी जलेबी के ठेले से गर्म गर्म जलेबी खाते और पैक करवा कर घर भी ले जाते थे। मनोहर भाई, पतली करारी जलेबी बनाकर आधा किलो पैक कर देना है। जरा 250 ग्राम जलेबी तो देना। भैया, 1 किलो जलेबी डिब्बे में पैक कर देना। बाबा, ये आपके लिए शाम की चाय लाई थी। आओ तुम चाय पी लो, तब तक ठेला मैं संभालती हूँ। ठीक है बेटिया, 1 किलो जलेबी इन भाई साहब को डिब्बे में पैक कर दे। ये लीजिए आपकी जलेबी। बाबा, आपको पता है आज माँ आपकी पसंद की करेले की सब्जी बना रही है। अच्छा, पर तुझे तो करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कैसे खाएगी? आपको एक राज की बात बताऊं, मैं अभी घर जाते हुए 20 रुपए का पनीर लेती जाऊंगी। और क्या, एक प्याज डालो और एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च, बन गई पनीर की भुर्जी। अब एक हलवाई की बेटी हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये देखो, मैंने बिल्कुल आप ही की तरह जलेबी तल कर तैयार की है। अब मैं चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। आप शाम को जल्दी आ जाना। ज्योति के रूप में बिटिया पाकर सचमुच मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। ज्योति मनोहर की इकलौती औलाद थी। मनोहर और शारदा ज्योति को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक। ज्योति, इतनी तेज तेज दरवाजा कौन खटखटा रहा है, जरा देखो तो। अरे आ रही हूँ। इतनी तेज दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बंसी भैया, आप क्या हुआ, आप हड़बड़ा क्यों रहे हो? ज्योति, तुम्हारे बाबा के हाथ के ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई गिर गई है। उनका सीधा हाथ पूरा जल गया है। हम उन्हें बराबर के अस्पताल में ले गए हैं। डॉक्टर अभी उन्हें देख रहे हैं। क्या माँ, जल्दी चलो बाबा, पता नहीं किस हाल में होंगे ये। ज्योति शारदा के साथ अस्पताल पहुँचती है। मनोहर का सीधा हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। इनके हाथ पर गर्म तेल गिरने से स्किन जल गई है और छाले पड़ गए हैं। जख्म को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। बाबा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बिटिया, हाथ कैसे लग गया कुछ समझ ही नहीं आया। कढ़ाई मेरे हाथ के ऊपर पलट गई। डॉक्टर मनोहर को लगाने की और खाने की दवाई लिखकर दे देता है। दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि जितने भी घर में जुड़े हुए पैसे थे सब मनोहर के इलाज पर लग गए। कुछ ही पलों में मनोहर के घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शारदा, सब कैसे होगा, ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। हमारे जुड़े हुए सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। बाबा, आप आराम करो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और जलेबी का ठेला मैं संभाल लूंगी। आपने मुझे जलेबी बनाना सिखा रखा है ना, कल से मैं जलेबी का ठेला लगाऊंगी, आपका काम मैं करूंगी। और अगले दिन से ज्योति बाजार में जलेबी का ठेला लगाने लगी। घर की जिम्मेदारी अब ज्योति के ऊपर आ गई थी। वो भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छी जलेबी बनाती थी। एक दिन, ये मनोहर जलेबी वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे बाबा हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आजकल जलेबी का ठेला मैं संभाल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हमें राम मंदिर के लिए 20 किलो जलेबी चाहिए। पहले भी हमारे सेठ जी ने तुम्हारे पिताजी से मंदिर के लिए एक बार जलेबी बनवाई है। उन्हें तुम्हारे पिताजी के हाथ की शुद्ध बढ़िया घी में बनी जलेबी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर देने के लिए भेजा है। ये लो 2000 रुपए, मैं तुम्हें एडवांस देकर जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी के पैसे जब जलेबी लेकर आओगी तो कल मंदिर में सेठ जी से ले लेना, ठीक है? ठीक है भैया जी, कल मैं 12 बजे मंदिर में जलेबी लेकर पहुंच जाऊंगी। ज्योति खुशी से घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। माँ, कम से कम 6 से 7 हजार रुपए इकट्ठे आ जाएंगे। ये 2000 रुपए आप रखो, ये मुझे एडवांस मिले हैं। पर बेटिया, तो 20 किलो जलेबी कल दोपहर 12 बजे तक कैसे बनाएगी? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी कि समय से पहले बना लूंगी। तुम चिंता मत करो, कल मैं भी जलेबी बनाने में ज्योति की मदद कर दूंगी। ज्योति अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ शारदा के साथ मिलकर 20 किलो जलेबी तैयार कर लेती है और वो जलेबी का ऑर्डर लेकर राम मंदिर पहुँचती है। मैं देख रहा हूँ आप पिछले 20 सालों से अपनी खोई हुई बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी बेटी के जन्मदिन पर आप भगवान राम को जलेबी का भोग लगाते हैं। पंडित जी, पता नहीं, मेरा मन कहता है मेरी खोई हुई बेटी मुझे जरूर मिलेगी और मेरा भगवान राम पर अटूट विश्वास है, वो मेरी बच्ची मेरी कोमल को एक दिन हम बूढ़े माँ बाप से जरूर मिलवाएगी। हे प्रभु, हमारी बच्ची जहाँ कहीं भी हो ठीक ठाक हो, उसकी हमेशा रक्षा करना। सेठ सेठानी अभी पंडित जी से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें ज्योति की आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी, ये जलेबी का ऑर्डर आपने जो दिया था मैं ले आई हूँ। अच्छा अच्छा, लाओ बेटिया इधर दे दो। पंडित जी, ये जलेबी का प्रसाद भगवान राम को भोग लगा दीजिए, फिर हम सब गरीबों में बांट देंगे। ये लो बिटिया, तुम्हारे बाकी के बचे हुए 5000 रुपए,
और ये 2100 रुपए मेरी तरफ से उपहार समझो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये तुम्हारे गले में लॉकेट, ये तो सुमित्रा हमने अपनी कोमल को पहनाया था ना जब वो पैदा हुई थी। हाँ, ये लॉकेट तो हमने कोमल के पहले जन्मदिन पर उसे पहनाया था। इसका मतलब तुम हमारी बेटी हो, हमारी कोमल। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो प्रभु। जिस खोई हुई बेटी का जन्मदिन आज मैं उसकी याद में मना रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ी है। मैं कुछ समझी नहीं सेठ जी। बेटी, हमें अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे माता पिता से अभी मिलना है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर सेठ सेठानी ज्योति के साथ उसके घर पर जाते हैं। वहाँ मनोहर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। ज्योति बिटिया, ये सच है, तुम हमारी अपनी औलाद नहीं हो। तुम मुझे एक मेले में रोती हुई मिली थी। मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हम दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। मैंने और शारदा ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला। सेठ जी और सेठानी जी ही तुम्हारे जन्मदाता हैं। इन्हें प्रणाम करो बेटिया। भगवान राम के आशीर्वाद से सेठ सेठानी को अपनी खोई हुई कोमल वापस मिल जाती है। वो ज्योति मनोहर और शारदा को अपने साथ ले जाते हैं और उस दिन से ज्योति अपने असली माता पिता मनोहर और शारदा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं, बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहां से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले दो दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा, हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली, और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर। बर्गर वाले की ये बात राधिका के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी, और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी और हरीश से इस बारे में बात करती हूँ। राधिका हरीश और सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात राधिका बहू, अब तुम भी बच्चों से बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माजी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है, अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर के किराए और खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, राधिका का मन है तो मुझे लगता है हमें राधिका को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है, फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए, अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का, अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए राधिका को उधार में सामान लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हरीश मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। राधिका अभी ये सोच ही रही थी तभी वहाँ एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रुको मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाए करो,
और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। राधिका घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ, 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूँ, हरीश से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी नमस्ते जी, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी जी, मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहाँ पहुँचना है, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है। उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुँच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूँ जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को राधिका का काम इतना पसंद आता है कि वो राधिका के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। राधिका अब एक बर्गर की दुकान चलाती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हरीश बहुत खुश थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।